गोरखपुर के सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में पिछले 60 वर्षों से स्थापित स्विमिंग पूल का रेवोल्यूशन हुआ, जो कि ओलंपिक स्तर का बना है, जहां पर राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसके निर्माण में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया है, जो कि पूर्वांचल व प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी। पूजा अर्चना के उपरांत ही जाती है वह कार्यक्रम इस पल। कर्तले कौतुकमना सागरे वरमुक्तिकम कर्तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम नमो नमः। ओम गंगा नमः नमः। सर सर हाँ, हम लोग की तरफ देखिएगा सर। हाँ हाँ इधर ही। हाँ ठीक। बाहर निकलता है इस पंप घर के माध्यम से फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है, जो पीछे इसके है उसका पूरा फिल्टर मीडिया चेंज किया गया। फिल्ट्रेशन प्लांट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, चौक हो गया था, उसको ठीक कराया गया। मैं सभी अधिकगण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एरेशन टैंक की तरफ, जहाँ जब भी पानी चलता है, पंप चलता है, तो वहाँ से एरेशन के लिए जो एक प्रक्रिया होती है, एक पुराना सिस्टम था उसको रिवाइव किया गया, जिससे जो फिल्टर होने के बाद पानी आता है वो एरेशन टैंक पे जाता है और वहाँ से एरेटेड वाटर फिर से स्विमिंग पूल में आता है। तो सभी प्रकार के इसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स थे उसका ध्यान रखा गया। जो भी लाइटिंग थी, जैसे पूल लाइटिंग, उसका अरेंजमेंट इस पूल के अंदर किया गया। इसका क्लीनिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स आवश्यक थे उसका अरेंजमेंट इसमें किया गया है। लेंस जैसा आप देख रहे हैं ये नहीं लगाई गई है, डाइविंग बोर्ड लगाए। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के GM चंद्रवीर रमण ने कहा, तो स्विमिंग पूल आप देखे हैं, ये पहले था लेकिन इसकी हालत अच्छी नहीं थी, इसको रीडेवलप किया गया है और इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल का इसको बनाया गया है और इसको बनाने में करीब करीब 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है और इसमें सब फैसिलिटीज़ हैं जो आप देख ही रहे हैं। और इससे ये हुआ कि हमारे जो पूर्वोत्तर रेलवे के जो खिलाड़ी हैं और आसपास भी यहाँ हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से वो ट्रेनिंग लेंगे और यहाँ जो है बाहर के भी टूर्नामेंट वगैरह फ्यूचर में होगा। ये हमारे ओवरऑल जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट है उसको एक बढ़ावा मिलेगा। हाँ, इसके कारण से रेलवे वाले तो करेंगे, बाहर वाले भी आएंगे तो सबको फायदा होगा।